जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम मंगेली में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर मौके से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब जब्त कर नष्ट की है। दरअसल जबलपुर आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम मंगेली में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब के साथ महुआ और लहान को नष्ट किया। आबकारी विभाग द्वारा जब्त सामग्री की कीमत करीब 1,20,000 रुपये बताई जा रही है। ये देखिए स्मगलर लोगों ने इस बीहड़ में, देखिए दोनों तरफ भारी कगार है और यहाँ जो है पतली सी नाली है, इस पर जो है तो उन्होंने कच्ची महुआ की लाहन छुपा कर रखे हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा पूरा लाइन ऊपर तक जाता है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कल शाम को कि मंगेली में नर्मदा नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टियाँ लगाई जाती हैं। उसी सूचना पर आज सुबह सुबह दल गठित करके मंगेली गांव में नर्मदा नदी के किनारे दबिश दी गई तो दो चढ़ी भट्टियाँ मिली और भारी मात्रा में लाहन मिला है जो 2000 केजी से ऊपर है। लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया है और भट्टियों को तोड़ दिया गया है। चूँकि दूर से हमारी गाड़ी देख करके आरोपी फरार होने में सफल रहे हैं और पतासाजी की जा रही है कि किसके द्वारा वहाँ पर भट्टियाँ लगाई जा रही थी।